हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम आप सभी को ले चल रहे हैं कोरापुर के दक्षिणांचल में स्थित मालनपाड़ चौराहे पर, और यहीं का पूरा ब्लॉग वीडियो आप सभी को शूट करके दिखाऊंगा कि मालनपाड़ चौराहा देखने में कैसा लगता है। तो हम लोग इस समय मालनपाड़ चौराहे की तरफ निकल दिए हैं, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यूनियन बैंक का एक शाखा देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको TVS की एजेंसी, और उसके ठीक बगल में आपको यहाँ पे होंडा की एजेंसी आपको देखने को मिलेगी, और इधर कुछ आपको दुकानें देखने को मिलेंगी जहाँ पे आप बाइक वगैरह रिपेयर करा सकते हैं। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो आपको एक खादी आश्रम देखने को मिलेगा, और उससे यदि और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको दोनों तरफ कई सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, जैसे कि होटल, जनरल स्टोर इत्यादि। इसके आगे आप जब बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक मोड़ दिखाई दे रहा होगा जो हरिहरपुर रोड की तरफ जाता है, और दोस्तों जैसे आप हरिहरपुर मोड़ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको एक मोड़ दिखाई दे रहा हो जो आपको लेके चला जाएगा इंटर कॉलेज की तरफ। और दोस्तों अब हम लोग मालनपाड़ चौराहे की तरफ निकल चुके हैं, कुछ ही दूर यहाँ से मालनपाड़ चौराहा है, और इधर आपको यहाँ का प्राथमिक विद्यालय देखने को मिलेगा, और उसके बगल में आपको यहाँ पे ATM वगैरह भी देखने को मिलेगा, और इधर दोस्तों कुछ जनरल स्टोर है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हैं, और कुछ दुकानें आपको इधर दिखाई दे रही होंगी। दोस्तों दोनों तरफ आपको यहाँ पे दुकानें देखने को मिलेगी, लगभग इस चौराहे पे आपको हर वो सामग्री मिल जाएगी जिसे आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों फाइनली हम लोग मालनपाड़ चौराहे पे आ चुके हैं। दोस्तों ये चौराहा नहीं तिराहा है, यहाँ से तीन रोड कटे हैं, तो आइए इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो रोड है आपको सीधे यहाँ से बांसगांव कौड़ीराम लेकर चला जाएगा, और ये रोड आपको यहाँ से गोला और उरुआ लेकर चला जाएगा, और इधर जो रोड आपको सामने ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से खजनी से होते हुए आपको सीधे गोरखपुर लेकर चला जाएगा। दोस्तों मालनपाड़ चौराहा चौराहा नहीं बल्कि तिराहा, यहाँ से मात्र तीन रास्ते निकलते हैं, जहाँ से चार रास्ते निकलते हैं उसे चौराहा कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मालनपाड़ में क्या क्या है। दोस्तों ये है टैक्सी स्टैंड, यहाँ पे ऑटो वगैरह आपको बड़े ही आसानी से खजनी के लिए, गोरखपुर के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों इधर आपको कुछ दुकानें दिखाई दे रही होंगी, रेडीमेड शॉप की हैं, और कुछ और भी दुकानें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार मालनपाड़ चौराहा दिखता है। जैसे ही आप चौराहे से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको प्रभु का दर्शन भी होगा। दरअसल ये माता जी का मंदिर है, और इससे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक बंद पड़ा हुआ टावर देखने को मिलेगा, जिसपे देखिए आपको पूरी तरह हरियाली दिखाई दे रही है। दोस्तों ये रोड आपको सीधे लेके चला जाएगा मालनपाड़ मार्केट में, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पहले बहुत ही प्राचीन अस्पताल हुआ करता था चंद। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से मरीज आते थे, लेकिन ये अस्पताल इस समय बंद पड़ा है। और इससे आगे आप बढ़ेंगे तो मालनपाड़ के अंतिम छोर पे आपको एक हॉस्पिटल मिल जाएगा, जहाँ पे 2400 घंटा सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। उस हॉस्पिटल का नाम है निरामया हॉस्पिटल। दोस्तों काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, और ये आपको यहाँ पे बालू की दुकान दिखाई दे रही, बालू के दुकान के बगल में जो वाइट कलर की बिल्डिंग है वही है निरामया हॉस्पिटल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निरामया हॉस्पिटल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।